हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के सेशन में मैं आपको एक प्रोग्राम डिस्कस करूंगा जिसका नाम है एप्रोप्रिएट नंबर। सो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हमें सिंपल यूजर से एक नंबर लेना है और बस ये चेक करना है कि ये नंबर एप्रोप्रिएट नंबर है या नहीं। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। मैं सबसे पहले आपको एप्रोप्रिएट के बारे में बताऊंगा। ऐसा कोई नंबर जो टू से और उसके साथ साथ थ्री से अगर प्रॉपरली डिवाइडेड है, तो ऐसे नंबर को हम लोग एप्रोप्रिएट नंबर कहते हैं। मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन को लिखा भी है। आई हैव रिटन द डेफिनेशन गाइस इस जगह पर। अ नंबर इज सेट टू बी द एप्रोप्रिएट नंबर इफ नंबर इज प्रॉपरली डिविजिबल बाई टू एंड थ्री। एक एग्जाम्पल से मेरी समझ में ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम बात करें सिक्स की, देखिए क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ आता है। आपकी नॉलेज मैथ पे टेस्ट नहीं हो रही है भाई, आपका जावा ही टेस्ट हो रहा है। तो मैं अगर बात करूं आपसे सिक्स की और ट्वेल्व की, ये दोनों ही एप्रोप्रिएट नंबर है हमारे। क्यों? क्योंकि जो सिक्स है वो भी टू से डिवाइडेड है और थ्री से भी डिवाइडेड है। और अगर मैं ट्वेल्व की बात करूं, ये भी टू से डिवाइडेड है, सिक्स टाइम डिविजन जा रहा होगा, और थ्री से भी डिवाइडेड है। दोनों से ये प्रॉपरली डिवाइडेड है गाइस। सो सवाल किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपके सामने कि राइट द प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, राइट, चेक एंड प्रिंट वेदर दिस नंबर इज एप्रोप्रिएट और नॉट। आपको कुछ नहीं करना, पहले तो बॉयलर प्लेट कोड पता होना चाहिए कि भाई हमें यूजर से वैल्यू लेनी। तो एक पैकेज लेते हैं हम, यहाँ पे क्लास बना ली, एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। क्योंकि हम यूजर से एक ही वैल्यू लेंगे ना, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया नम, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें बता दिया हमने कि हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। सो टू रिप्रेजेंट द कीबोर्ड गाइस, कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिख, जैसे मॉनिटर को कभी रिप्रेजेंट करना हो तो हम सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, और कभी कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो हम सिस्टम डॉट इन लिख। सिंपल, मैंने कहा प्लीज एंटर अ नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर। इसे देखकर इंसान नंबर ही तो डालेगा। सी, वो नंबर नेक्स्ट इंट से यहां पे आ गया। मैं तो मेनली आपको ये कंडीशन सिखाना चाहता हूं बस। सी, दिस इज द कंडीशन कि अगर वो नंबर दो से प्रॉपरली डिवाइडेड है तो उसका रिमाइंडर जीरो के बराबर आएगा। और ध्यान रखना है यहां पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया है। बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू गाइस। अगर वही नंबर थ्री से भी अगर डिवाइडेड है, लॉजिकल एंड का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं ना, दो के साथ साथ वो थ्री से भी डिविजिबल होना चाहिए, देन यू कैन से इट इज अ एप्रोप्रिएट। अदरवाइज आप क्या बोलेंगे इसे, नॉट एन एप्रोप्रिएट नंबर। मैं आपके सामने इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहता हूं। सी, एक नई क्लास बनाइए, इसका कोई भी नाम एप्रोप्रिएट करके लिख दिया, क्लास बनानी है, क्लिक ऑन ओके बटन। यहां पर जितना भी जो ये कोड लिखा हुआ था, कमेंट्स वगैरह, इन्हें आप डिलीट कर दीजिए, राइट। अभी मुझे इस कोड की जरूरत नहीं है, मैं इसके अंदर गया एंड आई हैव डिलीटेड एवरी। हमने एक पैकेज इंपोर्ट कराया यहां पर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, समझ रहे हैं आप। हम यहां आए, यहां पर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गस। सबसे पहले उतने वेरिएबल बना लीजिए जितनी हमें जरूरत है। सो अभी मेरे प्रोग्राम जो मैंने अभी समझाया उसमें एक ही वेरिएबल की जरूरत थी, इंट नम। उसके बाद आपको क्या करना है, स्कैनर क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाइए, सिस्टम डॉट इन गाइज। यहां पर आगे एक मैसेज लिखना होगा बस आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने यहां लिखा एंटर अ नंबर। इसे देखकर इंसान नंबर ही डालेगा। सो आई हैव वन मेथड विच इज व्हाट, नेक्स्ट इंट। अब वो कंडीशन ही इंपॉर्टेंट होती है गाइस, उस कंडीशन को लगाना आना चाहिए। इफ नम मॉड्यूलस बाई टू डबल इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन तो हो गई ये कि भाई दो से प्रॉपर डिवाइड करके अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर आ रहा है, ऐसे ही मैंने ये लगाया। और यहां पे लिखा नम मॉड्यूलस बाई थ्री डबल इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन जिस दिन आ गई। एक चीज जरूर कहूंगा, आप कभी भी प्रोग्राम कंप्यूटर में बना रहे हो तो कभी कॉपी पेस्ट मत करना। सबसे पहले तो प्रोग्राम को आपको कॉपी में लिखना चाहिए। इफ दिस इज थ्रू गाइज, हम यहां पर आए, देन एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करा देता हूं। यहां पे लिखा एप्रोप्रिएट नंबर,
अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, लेट मी इंडेंट इट, तो यहां पर लिख देना नॉट अ एप्रोप्रिएट नंबर, दैट्स इट। कंपाइल किया इसे मैंने, सिंपल इस जगह पर आए, राइट क्लिक, मेन को चलाया, ओके, सी, एंटर अ नंबर। अभी अभी मैंने एग्जाम लिया 6, एंटर प्रेस करो, एप्रोप्रिएट नंबर। एक बार फिर से रन कराइए इसे, सी, जैसे मैंने लिखा 4, ये 2 से तो डिवाइडेड है बट 3 से नहीं है गाइस। 4 इज डिवाइडेड बाई 2 बट नॉट बाई वॉट, 3। सो क्या आ रहा है देख रहे हैं आप, नॉट अ एप्रोप्रिएट नंबर। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।